तो लौंडो कैसे हो सब लोग। आई होप से सब बढ़िया चल रहा होगा। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन की मूवी, एंड आज तो पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी है, तो आज और कल में खत्म कर देंगे उन्हें, उसके बाद सीजन 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो, मजे करते हैं। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, एंड लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, खंबा, बारिश हो रही है एंड ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। असली लगता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, है ना? काफी वक्त बाद मिले। ओ गॉड, हु इज दिस? मेरे पास मत आ, मेरे पास मत। ओ चलो, इसकी शक्ल देखना कितनी गंदी है। मैंने कहा मेरे पास मत आ। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मारना चाहता हूँ, जरा मेरी भावनाओं क्या मारना चाहता है। प्लीज, अगर तुम मुझे ऐसे ही जीता में रखोगे तो मैं शायद तुम्हें मार दूंगा। ये है उसका, पता नहीं क्या नाम है, एंड टोक्यो ड्यू टू प्रेसिडेंट बुलिंग क्लास में 4 मेल स्टूडेंट डेड। अरे भाई, इतना बड़ा हाथ आया किसका? उसके मुंह से भी बड़ा हाथ था भाई। मुझे माफ करना, इसको पता था। ये तो भाई स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टिंग है भाई, उसका खून जैसे लग रहा है ना, जूस निकाल दिया उसको नीचे उड़ के। ओ ये बढ़िया था मैन, यही देखने में तो मजा आता है। एंड ये वो वाला रूम है ना? ओ यस भाई, जहाँ पहले यूजी को रखा था इसको भी रखा हुआ। एक रह से भाई बहुत की सजा, ये सरासर बकवास है। मगर वो लड़का मान गया है, वो बच्चा अभी कम उम्र का है, 16 साल। हमें ये भी नहीं पता उसने कितने को मौत के घाट उतारा है। वो अब तक 3 ग्रेड 2 के सोर्सर्स को और 1 ग्रेड 1 सोर्सर से निपट चुका है, और इसीलिए आप मेरे पास आए। ये गोजो की आवाज थी क्या? आप वो भूल गए? नहीं जी, यूता यूता यार, इतने दिनों से कमेंट में यही तो चल रहा था, ये है ओकोत्सु की यूता। अब ये ओके, ओकोत्सु यूता को अब ये क्या, चाकू और उसको गांठ बांध रखी है। मैंने मरने की कोशिश करी लेकिन रीका ने, रीका हु इज दिस अप्री, मतलब ये इसका ये क्या सीन है भाई? दो मार्च से एक नए स्कूल में शामिल हो जाओ। जुजुत्सु काइसन में मैं नहीं जा रहा, मैं फिर से और किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे तो तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम पे जो कर्ज लगा है वो लोगों की जान भी बचा सकता है। ओह ऐसा कुछ है? तो क्यों जुजुत्सु हाई स्कूल तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पर काबू करना सिखाएगा। ओके, ये तो पांडा है और वो है वो चिली फ्लेक्स। क्या मतलब है मार दिया? तू ना मायो। पर उन्हें गंभीर चोट आई थी। ओ, अच्छा, अगर घमंडी हुआ तो उसे औकात दिखा दूँगी। ठीक है, बोनिटो फ्लेक्स। मैं तुम लोगों को ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, सो भी एक्साइटेड हो जाओ। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। हमने सुना है उस बच्चे के बड़े बड़े कारनामे हैं, उस जैसे की देखभाल करने के लिए किसी और को रख लेना। सलमान। उसका तो समझ में नहीं आता बोलना क्या चाहता, ये लोग समझ जाते हैं। ये रहा यूता। मुझे लगता है कि अंदर का माहौल काफी गर्म है। बहुत गर्म है, मत जा, सब चूतिए हमारे पड़े। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं बच्चा है वो, लेकिन मारा तो काफी है। ये लोग इसका वो पता, अच्छा इनको शायद इसका कर्स्ड एनर्जी पता लग रही है ना। ये है क्या है? ये सब मारने को तैयार है। क्या ये किस तरह का टेस्ट है भाई? ए वो देखो पांडा, वो देखो नहीं जानते कि तुम कर्स्ड हो। ये जगह कर्स के घूमने के लिए नहीं है, बल्कि कर्स के बारे में सीखने के लिए है। हाँ? जापान में हर साल ऐसे में तरीके से
मरने या लापता होने वाले लोगों की एवरेज संख्या 10,000 वो ज्यादा बड़ा नंबर है भाई 10,000 जिसके कारण होते हैं जो कि लोगों के नेगेटिव इमोशन से जन्म लेती है और उनमें से कुछ केसेस यूजर के द्वारा किए गए मैलिशियस केसेस भी होते हैं। सिर्फ एक कर्ज ही दूसरे कर्ज को हरा सकता है। हम यहाँ कर्जेस को मिटाने के लिए कर्जेस सीखते हैं टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में। और ये मुझे इस बारे में आगे बता रहा है। क्या? इसने उसे माफ करना भाई। सॉरी। तुम सब को पीछे। सॉरी। ओह। अब हमको देखने को मिलेगा क्या? युता के पास मत आओ। रुको। रीका। तुमने युता को परेशान किया। ये क्या दिखा रहे हैं? एक तो भाई साथ में वो भी दिखा रहे हैं ना कुछ इंट्रोडक्शन, वो समझ नहीं आ रहा। चलो चलो इस तरफ आओ। यहाँ है युता शायद, I think। युता मेरे पास। Happy birthday to you, चूती है युता। भाई नहीं बोल सकता ना फालतू इसको, भाई इसको लगता है लोग बहुत ज्यादा फैन बेस है युता का, पता नहीं क्यों, बट हम देखते हैं पता लगाते हैं। रिंग दी है भाई। एक रिंग? एक एंगेजमेंट रिंग। इसकी माँ है क्या ये? ये क्या वक्त हो रही है भाई? निब्बा निक दी है? नहीं माँ थोड़ी होगी इतनी बड़ी है, निब्बा निब्बी है ये तो। बड़े हो जाएंगे हम शादी करेंगे। सालो निब्बा निब्बी इस उम्र में वैस की आंख में पता नहीं क्या करता था। ओ उसके साथ क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस कॉल करो, जाओ जल्दी कॉल करो कोई, वो ठीक है क्या? उसका सर वो उसके नीचे आ गया, पूरा कुचल गया यार। बच्ची कार के नीचे आ गई है, जल्दी आई है, उसकी मदद करो। रीका इसी से ये वाली जो कर्ज एनर्जी है आई है उसके प्यार के लिए। जब हम बड़े हो जाएंगे हम शादी कर लेंगे। ओ, सो ये इसकी स्टोरी बताई है। ओके सब देख सकते हो, यही वो लड़का है जिसे रीका चांद ने कर्ज कर रखा है, जो कि उसे चाहता प्यार करती है। ये उससे सब अच्छे से पेश आना। इन सबको पेल दिया उसने। अरे यार ये बढ़िया था भाई। जल्दी बताना चाहिए। ये लोग थोड़ी अकड़ दिखा रहे हैं तो इनका परिचय मैं ही देता हूं। वो पांडा टीचर ही मेरे को बुलाता है। जैनिन मार्क कर्सेस को खत्म करने के लिए स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करती है। यह कर्स इसका ऊपर निकल गया है मैच की बोनिटो फ्लेक्स। क्या? और ये है पांडा। मैं पांडा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लो, वो क्या? इसने मुझे वो चीज नहीं बताई जो सबसे जरूरी है। तो अब 4 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। ओके। यार ऐसा लग रहा है ये पहले की स्टोरी है। हां तुम लोगों को दो दो ग्रुप में रहना होगा, टोगे और पांडा। लग रहा है पहले की स्टोरी है ये। मां और युता एक साथ। ओके ये अब हम कहां है? ये बस एक एलिमेंट्री स्कूल है। हां बस एक एलिमेंट्री स्कूल जहां बच्चे लापता हो गए हैं, मिसिंग है। ये ऐसी ही जगहों पर होता है, ऐसे ही जगहों पे होता है। ये शायद नेचुरली अकरिंग कर्ज का काम है। आपके कहने का मतलब है कि उन बच्चों को कर्जेस ने किडनैप किया है? हाँ, ओके। अब तक दो बच्चे गायब हुए। ओके। ऐसी ही जगहों पर कर्ज जल्दी घर बनाते हैं, ऐसी जगह जहाँ बुरी यादें हो। स्कूल में बुरी यादें? स्कूल, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो होते हैं मान सकता हूँ। स्कूल में यार क्या? जैसे जैसे ये भावनाएं बढ़ती जाती है ये कर्ज के जन्म की वजह बनती जाती है। हम यहाँ कर्ज को मार के बच्चों को बचाने आए, या वो मरे हैं तो उन्हें वापस लाने। मर गए?
अंधेरे से प्रकट हो, वो जो अंधेरे से भी काला है और उसे पवित्र जो अपवित्र है। ये शील्ड बना रहा है, ओके, ताकि अंदर जो भी हो वो बाहर ना दिखे। ये तो रात हो गई। ये एक चादर है, चादर है, ये एक बैरियर की तरह है जो कर्ज को बाहर निकालेगा और ये तुम सबको बाहरी नजरों से सुरक्षित रखेगा। इसे अंदर से बंद करना आसान है। अच्छा, इन लोगों को छोड़ के जा रहा है ये। ए, नए स्टूडेंट, ये डरने का वक्त नहीं है। ओ, ये कौन है भाई? ये भैंस की मुर्गी के जैसे दिख रही है। ये क्या है भाई? कुछ अजीब से ही मॉन्स्टर है भाई। छी छी, ये खोल रहे कपड़े, खोल रहे अपने। इतने बुरे क्या नहीं पता था, इतने बुरे भी होने वाले इसमें मॉन्स्टर। क्या करने वाली है? काट ये दी। हमेशा याद रखना, कर्ज जितने कमजोर होते हैं उतने ही वो ग्रुप में रहते हैं। ऐसा है, और तीनों गए। ये बेशक ये इंसानों के जैसा ही है। कमाल की है, एक ही झटके में। ए, जल्दी चलो। अंदर? और कहाँ चलेंगे? बाहर जाना, बाहर। साले अभी तो मारे ही नहीं, बच्चे बचे ही नहीं, अब बच्चे नहीं बचे, ये भी तो देखना है। इसको क्यों फट रही है भाई? इसके पास भैंस की इतना तगड़ा कॉस्ट है, इसकी बंदी भैंस की। माफ कीजिए, जिंदा नहीं रहने देती बंदों को, और यहाँ मर के चिपक गई है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ को देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई पर्स नहीं है। बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, देख रहे हो? वो मौजूद है लेकिन हमला नहीं कर रहे। वहाँ पे कुछ है। कहाँ पे? ओए, तुम्हारा ग्रेड कौन सा है? हिंदी में बोल सकती हो? मैजिशियंस को 4 से 1 तक रैंक दिया जाता है। लेकिन मैं तो अभी अभी जुजुत्सु हाई में आया हूँ, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं। बहुत हुआ, मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाओ, वो जो तुम्हें उस बेवकूफ अंधे आदमी ने दिया। अंधे आदमी और बेवकूफ। गोजो को बोल रही है। आ, तो तुम नए हो, तुम अभी भी ग्रेड 4 में हो। स्पेशल क्लास को फर्स्ट क्लास से हायर रैंक दी गई है, ये किस तरह का मजाक है जो उस आदमी ने बनाया है? ज़ेनिसान, 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 वो क्या है? ये है बड़ा मॉन्स्टर, कर्ज जो भी है। उई। भाई ये जो स्कूल टूट आट जाता भाई, भाई इसको मैंने ऐसा लग रहा है देखा हुआ लग रहा है ये मॉन्स्टर। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मुंह के अंदर कोई। ओ, शुक्रिया खाने के लिए। और उसकी तलवार बाहर छूट गई और वो दोनों अंदर। दत्त, तेरी माँ कॉस्ट्यूम गिरा दिया, हमें यहाँ से निकाल। ओ भाई, मॉन्स्टर के पेट में। हम सब कहाँ हैं? हम उस बदसूरत कमीने के अंदर हैं। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तुम्हारा मतलब उसने हमें खा लिया? हाँ, और मैंने सोचा था कि तुम्हारा कर्ज तुम्हें इस तरीके खतरे से बचाएगा। असल में मुझे नहीं पता कि रीका चांद कब बाहर आती है और कैसे, और उससे भी जरूरी मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। इंतजार करेंगे कि कोई और बचाने आ जाए। और जब तक बच गए तो टट्टी बन जाओ। बच्चे प्लीज, ये मरने वाला है। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में कह रहा था। आपने कहने का मतलब कि कर्ज ने बच्चे को किडनैप कर लिया है? हाँ, ये वही है। अब तक 2 बच्चे गायब हुए, हम यहाँ कर्ज को मारने और बच्चों को बचाने आए हैं। दोनों बच्चे, या अगर बच्चे मरे हुए हैं तो उनको वापस ला। शुक्र है भाई, इनडायरेक्टली ढूंढ लिया इन्होंने। मुश्किल से। ध्यान से देखो, चोट लगी है। बड़े बच्चे पर भी कर्ज असर कर रहा है, जल्दी वो दोनों मर जाएंगे। तो बचेंगे कैसे? साले तुम्हें बचाने के लिए तो लाए हैं यहाँ पर। क्या करना चाहिए? मैंने बोला ना, किसी के आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये क्या है? वो क्या था? वो मतलब वो थी क्या मान?
इसकी अंगूठी। अच्छा वो अंगूठी थी उसने वो पहनी है गर्दन में से निकाल के। आ भाई ये ओ ये है इसके ये ये की बात में चुप रहे भैंस की आंख तेरी। ये बढ़िया था भाई उसने वो तो पहले बोल रहा था मेरे को नहीं पता रिका चैन कैसे बाहर आते, लेकिन अभी उसने अंगूठी पहनी और वो बाहर आ गई यानी वो जानता था। मैं कितनी प्यारी हूँ वो उसकी भाई हालत खराब कर रहा है भाई वो। और ये बच्चों को और इन दोनों को बचा के लिया आया। विल पावर चाहिए भाई करने के लिए। वो देख रहे हो भाई ऊपर से खून निकल रहा है। सेंसेस इन्हें दिखलाना पड़ेगा जब तक रिका उस कर्ज को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। भाई सबको उठा के ले जा रहा है सही में। हिम्मत वाली बात तो है। मैं ले जा सकता हूँ रुको मत चलते रहो। मैंने फैसला किया है मैं यहाँ बदलूंगा। ओके तुम कर सकते हो यूता। यू कैन डू इट यूता। हाँ मैं करूंगा। वो खत्म हो गया इसका बैरियर यानी सब ठीक हो गया। तुमने अच्छा किया। नहीं ये यूता ही है पता नहीं भैंस की यार नहीं समझ आ रहा है यार ये कौन है। यूता ही है ये लड़की तो बड़ी है कोई। वही लड़की है शायद वो इसकी गर्लफ्रेंड जो बनना चाहती थी जो कुचल गई एक्सीडेंट में। वो बड़ा गंदा मौत था डर्टी मौत डर्टी। हाँ ये इनके बचपन का प्यार का थोड़ी सी दिखाते हुए वो याद कर रहा होगा ना कि क्या क्या करते थे हम बचपन में। ये हमारा वादा है हम बड़े हो जाएंगे हम शादी करेंगे। ये कितने बार वादा किया था भाई इन्होंने। बच्चे हैं ना इसलिए टुगेदर फॉरएवर वो तो बोलने वाली बात है। क्या हुआ उसको अपनी बंदी की याद आ रही थी। क्या हुआ क्या मैं बस कुछ याद बंदी को मुझे कभी नहीं लगता कि रीका ने मुझे कर्ज किया है बल्कि ऐसा लगता है कि मैंने रीका को कर्ज किया है। ये क्या सीन है नहीं समझ आया। ये मेरी पर्सनल थ्योरी पर प्यार से ज्यादा पेचीदा कोई कर्ज। ये भी है। ओके एक न्यू मिशन पे फाइनली लेट्स गो। एंड ये पूरा बंद पड़ा हुआ है कोई ज्यादा लोग वगैरह है नहीं यहाँ पर। उन्होंने कहा था ये जगह छोटे छोटे कर्सेस से भरी है। पोले कोए ओके देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को। डेंजर क्या पानी रहा ये क्या वागरी होती है भाई हवा में मछली इतने सारे ये सस्ती चीजें पाकिस्तान ने कहा था अगर वो ग्रुप्स में रहते हैं तो वो कमजोर है। मतलब ये इतने सारे ग्रुप में है तो कमजोर होके भी तो हैवी हो जाते होंगे ना। ये यूज करने वाला अपनी पावर दे लेट्स सी क्या बोलेगा ये। एक्सप्लोड ओ मतलब जो वो बोलेगा सामने वाला के साथ वैसा हो जाता है जैसे जो एक्सप्लोड बोला सब फट गए। हाँ ओ ये तो खत्म भी हो गया।
टू ना मायो सैड उसकी आवाज तो बिल्कुल घिस गई ओह इसलिए उसने गले की दवा ली थी ओह और ये ज्यादा बोल भी नहीं सकता है ऑफ कोर्स इसकी गला खराब हो जाता है Bonito flakes अब क्या हुआ हाँ तुम सही हो ये नहीं खुल रहा है ये क्या है ओह वो है सील्ड है काइंड ऑफ सील्ड ओ पीछे तो देख तो सुअर जैसा लग रहा है और वो कौन था आखिर ये कैसी कर्ज है इसे देख के उस पहले वाले की याद नहीं आती ओ इसने आके खोला ये इनोमा की गुड ट्विस्ट वो 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 अबे ये क्या पावर है कुछ भी पावर नहीं इसको पावर बोलते हैं भाई दो बार यूज करने के बाद इसकी पावर की लग जाती है गले की क्या 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 आखिर ये है क्या और इसकी दवाई छूट गई गिर गई और जो इसने ट्विस्ट बोला था ना उसके हाथ पे लगी बस उन्होंने कहा यहाँ लो लेवल है लेकिन ये तो नहीं बताया था और उसकी साइज बड़ी थी और ये यहीं पे बैठा हुआ है आ गए साले दोनों वापस ये यू ताले के आया अपनी बंदी को साले अब देख तेरी वो पागल हो गया क्या वो पहले से ही काफी डरावना है ये क्या करने वाला है काट दे भाई ओके वो ट्रेनिंग काम तो आ रही है ओ वो क्या यूज कर रहा है ऐसा मतलब लाइट वाइट है कुछ तो है भाई जो यूज कर रहा है वो अच्छा वो किसी को भी अनजाने में कर्ज नहीं करना चाहता इसीलिए वो ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसके शब्द ही कर्ज है और पहले भी उसे मेरी फिक्र थी लगी उसके नहीं लगी ये रहा खत्म बीच में से काट है भाई इसने भी उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी नहीं काट पाया वो मैं अभी भी इसका सामना नहीं कर सकता लेकिन लेकिन अच्छा इसको इसके गले की दवाई दे रहा लो भाई तुम लो अब ये पता नहीं कुछ तो बोलेगा भारी भरकम वर्ड कुछ तो करने वाला ओ बच गया बहुत ज्यादा फास्ट क्या गेट क्रश ओ बो मेरे को पता ही था ये कुछ भारी वर्ड बोलेगा यहाँ पर देखने आया था इसको मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है यार मेरे को पूरा अच्छे से याद नहीं है यही था ना ऊपर जो आईडी कार्ड लेने गया था इसका वहां पर वो जो सील्ड लगी है ना वो तोड़ने के लिए मे बी गोजो का दिखेगा कि गोजो तोड़ने वाला है लेट्स सी क्या करेगा कैसे करेगा इसको अच्छा यहीं बैठ के तो वो देख रहा था इसको पता चल गया क्या मुझे माफ कीजिएगा मेरी छानबीन में पता चला है कि किसी ने मेरे भेल के ऊपर दूसरा भेल लगा दिया था उसके साथ अचानक से वहाँ एक सेमी फास्ट ग्रेट कार्स को खड़ा हो गया ये उसका ही था ये मेरी गलती है कि मैं सावधान नहीं था मैं साजा के लिए तैयार हूँ नहीं तुम्हारी गलती नहीं बस वो तुमसे बेहतर था क्या मतलब क्या आपको पता है कि ये किसने किया है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है बट ये इसने किया है
और ये यहाँ पर क्या, ना समझो के लिए मौत, ये कमजोरों के लिए सजा, ताकत पर लोगों के लिए प्यार। गेटो सुगुरु, वो चार स्पेशल गेटो सुगुरु एक है। पर तुम कुछ वक्त से सो नहीं पाई हो, है ना? तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हें कोई घूर रहा है, और कभी कभी तुम्हें अपने कंधे भारी लगते होंगे, है ना? साला पंडित है वो, है क्या? जैसे तुम सपने ये देख सकता है ना, रिमोबिल ये देख सकता है उसके पीछे कौन है। ओ इसने कितनी जल्दी कर लिया, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। बड़ा बढ़िया है भाई ये। सच में मुझे पता नहीं कि मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। फिक्र मत करो, पड़ोसी होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आ। ऐसे तो ये मेरे को लग, दो बड़े रीजन है उसकी हेल्प करने के, अगर देखा जाए तो इसने गेटो ने हेल्प करी, उसके दो बड़े रीजन है भाई, और वो दो बड़े रीजन देख रहे हैं। मैं उन प्राणियों की बंधु सबको नहीं संभालना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ, काफी वक्त हो गया जब हम आखिरी बार मिले थे। अरे हाँ, क्योंकि हमने लंबे वक्त से साथ में फोटो लिए, कुछ शॉट लेते हैं। ये रहा। कितना? तकरीबन 105 मिलियन यान, पर पिछले 6 महीनों से कोई डोनेशन नहीं मिला। तुम कह रहे हो? तो ये भाई ऐसे पैसे लूटता है, मतलब बड़े लोगों से कर्ज दे दे के। यहाँ पे बहुत सारे प्राणी हैं और उन सभी के अपने काम हैं। यहाँ पैसे इकट्ठे करने के लिए बंदर हैं, वो जो अपने सर पे कर्ज लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम किसी काम। ओह, वो खा गया उसको। बार में जाओ कभी। वो उसको खींच रहे हैं भाई, खींच रहे हैं राइस। ओ पैसा है तो बस गिनोना बोल, ये बस बंदर के अलावा कुछ नहीं है। ओ भाई वो क्या मांगे, चलो इन बंदरों के जमाने को खत्म करें और जुजुत्सु स्कोरर के लिए स्वर्ग बनाए। सबसे पहले हम जुजुत्सु दुनिया को साइड से तबाह करना शुरू करेंगे। और ये क्या है भाई, ये क्या? लगता है कोई आवारा पक्षी गलत घोंसले में आया है। मैंने उस कर्ज को पहले नहीं। ये क्या था? वाह कितनी बड़ी चिड़िया है। ओ, ये लोग आ गए यहाँ पर तुरंत, इतना जल्दी अटैक करने। अभी तो इसने बोला ही था कि मतलब कि इसको हम अटैक करने वाले हैं, सबको खत्म करेंगे। लेट्स गो। क्या क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है मिमी को? चलो चलो बाहर आओ। वो कौन है? वो एक पैंडा है। कितना तुम सब कौन यहाँ घुस बैठे हो, कहाँ ना मना है? ऐसे यो तो सन ने कहा क्या? अगर तुझे पिटना नहीं है तो निकल युता से। निकल यहाँ से, युता से। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ओकोत्सु। मैं हूँ केतो उसको। केतो उसको। मुझे भी खुशी हुई। वक्त आ गया है इंसान अपने बचने के बारे में सोचे। वो। इसीलिए चाहते हैं तुम हमारी मदद करो। हाँ, मैंने कहा ना ये अपने तरफ लेना चाहता है। हम उन सबको मार देंगे जो स्कूलर्स नहीं है, और एक दुनिया बनाएंगे जहाँ जीतू तो स्कूलर्स हैं। मतलब ह्यूमंस को मार देंगे सारे।
क्या तुम अपने बेकार गोजो इज हियर। अब गोजो और गेटो की लड़ाई होने वाली है। सातोरू बड़े दिन बाद मिले। सबसे पहले उन बच्चों से दूर हो जाओ। और वो सारे लेके आए हैं सबको। मैंने तुम्हें इस साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे काफी शानदार है देखा तो समझ गया। स्पेशल क्लास के साथ कॉर्प्स मैनिपुलेशन कर्स स्पीच यूजर फिर ज़ेनिन क्लेम की सबसे बड़ी नाकामी। अपनी ज़बान संभाल के क्योंकि मैं जो दुनिया बना रहा हूँ उसमें तुम्हारे जैसे बंदरों की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ करना। वो जो आई नहीं करे समझ पा रहा कि तुम किस बारे में बात। साले को समझ ही नहीं आ रहा है। एल्फिन मैं किसी ऐसे की मदद नहीं कर सकता जिसने मेरे दोस्तों की मदद मतलब बेइज्जती करी। ओके माफ करना मैं यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती करने नहीं आया। एक बात बताओ मुझे तुम यहाँ किस लिए आए हो। जंग की ऐलान जैसे वो मदारा वो सॉरी ओबीटो आया था। खोल के सुन लो। ओके सुना। 24 दिसंबर की रात को हम 100 डीमंस को सरकों पे उतारेंगे। कोर्सेस के प्रोसीडर शिंजुकु टोकियो में साथ ही जिजुत्सु कोयोतो की पवित्र जगह में। हर जगह पर हजारों कर्सेस निकलेंगे। खुले में हत्या करेंगे। अगर नरक नहीं देखना चाहते तो इसे रोकने की पूरी कोशिश करो। मजेदार है ना। ये बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है भाई। भाई भाई यस मैं तुम्हें ऐसे क्यों रे दूं तुम्हें लगा तो सोचना भी मत। ओए ये लेके आया है अपने साथ और ये पावरफुल लेके घूमता है ना। स्टूडेंट्स को चोट आ जाएगी। वो बहुत इतने सारे लेके आया है। जंग में मिलेंगे। जंग में मिलेंगे। बाय बाय। गया और ये कुछ नहीं कर पाया भाई। ये जो है ना सीन मैं समझ गया। ये जो है जैसे जुसु को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जो है उसको मारते हैं क्या नाम है अपना कर्ज स्पिरिट को मारते हैं तो ये उसको मारने वाला है एंड इन सब के पीछे पड़ने वाला है। हाफ मूवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है मैंने कर दी है एंड हाफ मूवी कल खत्म कर देंगे क्योंकि गाइस एक ही बार में इतनी बड़ी वीडियो में नहीं डालना चाहता क्योंकि तुम लोग तो देखते हो मतलब देखने वाले देखते हैं लेकिन कई लोग जो आते हैं वो देखते नहीं है वो बस स्किप खत्म वीडियो भाई। उससे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो पे पता है बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी मैं इतनी बड़ी वीडियो डालता हूँ क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं देखते हैं पूरी वीडियो मेरे को पता चलता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जो देखते हैं उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। बाकी जो नहीं देखते उनका क्या कर सकते हैं वो तो उनके ऊपर है यार देखना नहीं चाहिए इतना। बाकी वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि मेरे को भी देखने में मजा आता है बाद में। सो गाइज अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड यस हाफ वीडियो कल आएगी हाफ मूवी कल देखने वाले हैं एंड अभी जो मैंने अगर देखा जो है हाफ पूरी मूवी देखी इसमें ज़्यादा फोकस एक ही बंदे पे यूता पे जैसे कि तुम लोग कमेंट में इतना कर रहे थे ना यूता यस समझ गया यार क्यों यूता कर रहे थे पूरा मूवी लग रहा है उसी पे फोकस है एंड मेन जो विलन है अब हाफ मूवी में आया जो कि हमको अभी इंट्रोड्यूस हुआ शायद से गीटो जो भी शायद सीजन वन में भी यही है ना। हाँ सीजन वन में भी यही है पता नहीं एंड आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं गेटो से लड़ाई होगी किसकी होगी कैसे होगी क्योंकि ये जो है इनको जो है जुसु वालों को मारना चाहता है तबाह करना चाहता है तो ये काफ़ी देखने वाली हो एंड जो अभी लास्ट में करेक्टर आए थे शायद मैंने देखे हैं उनको सीजन वन में मे भी मेरे को याद नहीं आते यार जल्दी से मतलब क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है ना चीज़ें देखने में इसी वजह से थोड़ा सा समझ नहीं आता। बाकी मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया देखने में यस यस यस। आपको मेरे साथ आया तो वीडियो को लाइक करना अपने फेवरेट करेक्टर को कमेंट में बताना फेवरेट करेक्टर के लिए एक लाइक कर देना एंड जाके न्यू चैनल पर सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ एंड अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर करो उनको बोलो आके सपोर्ट करें देखें एंड सब्सक्राइब करें एंड एक चीज और टाटा बाय बाय प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना ये बोलने वाला था टाटा बाय बाय बाद में बोलने वाला था वो याद नहीं आ रहा था ना इसलिए तब चलता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।